नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने खुद की तुलना माता सीता से की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गुढ़ा कह रहे हैं, राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान एक महिला के पीछे पागल हो गए। माता सीता अद्भुत सुंदर थी जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। गुढ़ा ने कहा कि माता सीता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए। उनकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुढ़ा ने इशारों में सीएम गहलोत और सचिन पायलट को राम और रावण बता दिया। बड़ा दुखद है जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग राजस्थान में गहलोत के मंत्री ने भगवान राम और माता सीता के लिए किया है, वो बहुत दुखद है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है। जिस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का मानना है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है, उन्होंने ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। स्वाभाविक रूप से माता सीता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उनका स्वभाव है, ये निंदनीय है। ये बात जो है वो संबित पात्रा ने कहा है सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। यहाँ पर जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि वायरल वीडियो की पुष्टि अब कोई कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को दिखाते हुए ये जरूर कहेंगे कि सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस बार वो खुद की माता सीता के गुणों से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे गुणों के कारण ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट मेरे पीछे भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो गुढ़ा गॉडजी सीएचसी में डिजिटल एक्सरे मशीन के शुभारंभ समारोह में बोलते हुए गुढ़ा ने कहा था। सीता माता की सुंदरता को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही जिस पर अब विवाद होना शुरू हो चुका है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच में इस तरीके से मंत्री जी का बयान सामने आना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी हानि हो सकती है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।